हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अपना सपना में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों का हल लेके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों, आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिलाते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं। कुछ अच्छे सपने देखते हैं और कुछ बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम उस सपने के बारे में सोचते हैं या उस सपने के बारे में व्याख्या करते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र कहता है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वह सपने हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने हमें शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने हमें अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना गया है सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिलाते हुए देखना। दोस्तों, सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिलाते हुए देखना यह एक अच्छा और शुभ स्वप्न माना गया है। बेहद अच्छा ही स्वप्न माना गया है। माना जाता है कि आपको आने वाले समय में आपका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी आपके व्यापार में धन लाभ की ओर संकेत करती है एवं साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति की ओर संकेत करती है सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिलाते हुए देखना। तो कुल मिला के दोस्तों, सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिलाना यह एक बेहद ही सकारात्मक और अच्छा स्वप्न माना गया है। वहीं स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी ऐसे हमें शुभ स्वप्न दिखाई दे तो ऐसे सपने किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सपने पूरे होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।